पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की चहलकदमी तेज है, प्रचार चरम पर है। इस बीच इलाकों की जनता क्या सोच रही है, उसकी क्या राय है और किस स्तर पर काम हुआ है, विकास हुआ है या नहीं, इन तमाम विषयों पर युवा शक्ति नजर रखी हुई है। इसी कड़ी में युवा शक्ति की टीम जोड़ाशाको विधानसभा क्षेत्र के नवाब लेन, नगीना कटरा और पोस्ता बाजार के कुछ हिस्सों में पहुंचकर यह जानने की कोशिश कि लोग चुनाव को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस दल से कितनी उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, युवा शक्ति की टीम आज पहुंच गई है जोड़ाशाकू विधानसभा क्षेत्र के 22 नंबर वार्ड में। आइए चलते हैं, यहां के लोगों की राय क्या है चुनाव, बंगाल के चुनाव पर। तो क्या लगता है, विवेक गुप्ता या फिर मीना पुरोहित? दोनों का जोड़ तोड़ आदमी है भाई, अभी तो दोनों आदमी को ही सही है, कोई काटने वाला आदमी नहीं है। यहाँ पे जो भी है कि हम लोगों का टीएमसी से भी बहुत बड़ी है, यहाँ से हम लोगों का जैसे वरुण मल्लिक है, कृष्ण प्रताप सिंह जी है, ये है, हाँ उसके बाद दादाजी है, ये है। आप किसको, किसकी सरकार चाहते हैं बंगाल में? ये तो दीदी की सरकार है ही है भाई, दीदी की सरकार चाहते ही है हम लोग। जैसे कि हमारे राज्य में काम हो, धंधा हो, सुख हो, समृद्धि हो, सभी भाई हो, शांति सफरा रोजी रोटी चलाए, काम धंधा करे। आपको कौन मतलब कौन सी पार्टी जो है लगता है जो काम करेगी? हमारी पार्टी तो जो चल रही है वही पार्टी से। नहीं तो किसी पार्टी का लहर नहीं, मोदी जी का लहर है, मोदी जी का लहर। मोदी जी भाजपा में है? हाँ, तो मोदी जी का लहर है बस। तो क्या लग रहा है कि बंगाल में किसकी सरकार, बीजेपी सरकार बनेगी? मोदी जी का लहर है, बीजेपी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बंगाल में बनेगी? वोट देती हैं आप? अभी तो वोट देखो सारा लाल के देखो पढ़ाशुना करेछी लाल, कोई भी जीते हमको जैसे चल रहा वही ठीक है, कोई जीतेगा कोई देने वाला नहीं है। खेला होगी तो एक किस तरीके का खेला होगी? देखिए खेला होगे का मतलब क्या है, इसका अर्थ बहुत लोग बहुत तरह के लगा रहे हैं, मगर हमारी माननीय मुख्यमंत्री का कहना खेला होवे मतलब जो हम अपने कार्य को कर चुके हैं, बंगाल के जनता के लिए जितना कार्य किए हैं उसका श्रेय हमारे बंगाल के जनता हमको देगी और 2021 में फिर से हम लोग खेलेंगे और सरकार को लाएंगे, यही उनका कहने का मकसद है। उन्होंने अपने कार्यों को दिखा कर दर्शा कर वो जनता को समझाना चाहती है कि 2021 में फिर हम लोग खेलने आएंगे और हमारी टीएमसी की सरकार होगी। आज युवा शक्ति की टीम जोड़ाशाको विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में पहुंची हुई है और हम जानते हैं यहां के लोगों का मिजाज, यहां कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, उस बारे में हम यहां के लोगों से जान लेते हैं। आइए। दीदी आ रहे हैं यहाँ जोड़ाशाको में, विवेक गुप्ता जी। क्या लग रहा है आपको यहाँ? विवेक गुप्ता यहाँ विनिंग कैंडिडेट। अच्छा, यहाँ काम हुआ है? इतने काम हुआ है बोरोपुर में, जब हमारी MLA स्मिता बख्शी थी तब उन्होंने भी काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में विधायक भी थी उस समय भी काम किया, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर पराकाश स्ट्रीट में दौरजा का गेट भी हमारी विधायिका की तरफ से हुआ था, तो तिरमूल से हम लोग खुश हैं और अपना अमूल्य वोट तिरमूल को ही दें। सरकार यहाँ जो काउंसिलर जो है आप लोग का 22 नंबर वार्ड में काम हुआ है? काउंसिलर अपना काउंसिलर की तरह हिसाब से काम करता है, विधानसभा विधानसभा के हिसाब से काम करता है, विधानसभा के हिसाब से हमारी स्मिता बख्शी के पहले विधायक थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काउंसिलर अपने हिसाब से अच्छा काम करती हैं जी जी, तो काउंसिलर के हिसाब से हम लोग उनको देखते हैं और विधानसभा के हिसाब से हम लोग तृणमूल के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन्हीं को अपना मत देते हैं। लग रहा है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए सरकार तो भैया मिलीजुली सरकार बनेगी, तीन कोना सरकार होगी, किसी का सरकार बहुमत नहीं होगा। मुकाबला तीन कोणीय है और रिजल्ट उसी तरह होगा? रिजल्ट ये समझ लीजिए दिल्ली अलग होगा और क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मोदी का होगा उनका। तो अच्छा, उनकी सरकार बनने वाली है पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी की सरकार आने से? कुछ लाभ होगा या आम जो लोगों के लिए? लाभ अच्छा होगा, जो लोग व्यवसायी हैं आप जैसे जो लोग, लाभ अच्छा होगा। अच्छा, हम लोग के बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गा प्रसाद साहु जी जी, थैंक यू। आज जिन्स पत्र क्या क्या मतलब आशा है बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या मतलब युवाओं को के लिए क्या करेगी वो, या जो लोग जो रोजगार के लिए यहाँ क्या करेगी, बंगाल में सुनार बंगला बना पाएगी? जरूर बना पाएगी,
रोजगार लाएगी इधर पर, युवाओं के लिए ना नई नौकरियां आएगी इधर पर, नए नए बिजनेस आएंगे उसके कारण, नई नई कंपनी आएंगी उससे रोजगार पड़ेगी लोगों को। तो इसका मतलब अभी तक जो सरकार थी यहाँ कुछ नहीं हुआ है, इसका बंगाल का विकास नहीं हुआ, कोई नया कंपनी बोल के कुछ आए नहीं है, जो पुरानी थी एग्जिस्टिंग वो भी बंद हो जा रही है, कुछ नई कंपनी इधर पर आई नहीं है। उम्मीद है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ पर विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, व्यावसायिक विकास होगा। उम्मीद थोड़ा कमी है, भाजपा से उतना उम्मीद है नहीं, बस थोड़ा लग रहा है कि ना ऐसे देश का भी विकास जिस हिसाब से है थोड़ा स्लो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है। की सरकार बनने की उम्मीद है, एक आशा, आशा तो 50-50 है, दोनों का ही चांस है, कोई भी आ सकता है। अभी जो मौजूदा सरकार है तो लोगों के लिए आप जैसे व्यवसायियों के लिए काम किया है कि नहीं? हाँ किया है। अच्छा, तो फिर इसी को रिपीट होना चाहिए या फिर जो है कि बीजेपी सरकार बननी चाहिए? ये कैसे बोलेगा जी? जी ये तो डायरेक्ट बोलना मुश्किल है ना। नहीं नहीं, तो एक उम्मीद रखनी चाहिए ना कि ये हम के हमारे लिए काम किया है, हमारे व्यवसायियों के लिए काम किया है, टीएमसी ने किया है तो टीएमसी को आना चाहिए। यदि बीजेपी से कुछ उम्मीद है कि ये बीजेपी हमको करेगी तो फिर इसकी सरकार आनी चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है? हम लोग का व्यवसाय ठीक से चलना चाहिए, कोई भी सरकार आए। अच्छा, कोई भी सरकार आए, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी जी, आपका नाम एक बार? हमारा नाम मानवेंद्रनाथ जी। थैंक यू। जीतेगा कौन हारेगा बोलना मुश्किल है, दोनों में लड़ रहा, मर रहा, कट रहा। आपको क्या उम्मीद लग रही इस लड़ाई में? इस लड़ाई में तो चांस है बीजेपी का, चांस बीजेपी का है, है। यहाँ के जो अभी तक सरकार रही है जनता के लिए कुछ किया कि नहीं? जनता के लिए तो आम पब्लिक ही जानता, कुछ नहीं किया। अच्छा, जो 35 वर्ष 32 वर्ष ज्योति वसु राज करके गया उतना जो नहीं घटना हुआ, उससे बेसी दुर्घटना हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब परिवर्तन होना चाहिए, या परिवर्तन होना चाहिए, चलना चाहिए ना। 10 साल तो ममता दीदी को दिया जी, 20 साल बीजेपी को आगे, 5 साल एक बार देखना चाहिए कि सरकार क्या क्या बीजेपी को एक मौका और देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए बीजेपी को, सरकार को भी एक मौका देना चाहिए।